उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ स्थित जिला जेल में एक कैदी की मौत पर भड़के साथी कैदियों ने जमकर बवाल काटा है। गुस्साए कैदियों ने जेल में पथराव शुरू कर दिया और कई जगह पर आग भी लगा दी। सूचना मिलते ही जेल और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। कैदियों ने जेलर और अन्य पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि कई बंदी भी घायल होने की खबर सामने है। जानकारी के अनुसार मेरापुर थाना क्षेत्र निवासी संदीप को एक हत्या के मामले में जिला जेल में बंद किया गया था और उसे बीमार होने के बाद सैफई अस्पताल में रेफर किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद कैदियों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे जेलर और अन्य पुलिस कर्मियों पर भी कैदियों ने हमला कर दिया। कैदियों ने डिप्टी जेलर शैलेश कुमार सोनकर पर हमला कर दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। यही नहीं, बताया जा रहा है कि कैदियों ने जेलर को बंदी भी बना लिया था। जेल से 3 गोलियां चलने की आवाज भी आई थी। सूचना मिलने पर सीओ सिटी प्रदीप सिंह व फतेहगढ़ कोतवाल जयप्रकाश पाल कुछ सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थिति नियंत्रण के लिए फायरिंग की थी। बंदियों का आरोप है कि संदीप को समय से इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कैदियों का ये भी आरोप है कि दीपावली के दिन भोजन न दिए जाने का भी बंदियों ने आरोप लगाया है और उनका ये भी कहना है कि दिवाली के दिन अहाते न खोले जाने की वजह से कैदी एक दूसरे से नहीं मिल सके। जिला कारागार फतेहगढ़ के बंदी संदीप यादव की सैफई पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई थी और जैसे ही बंदियों को इस मौत की सूचना मिली, जेल में हड़कंप मच गया। बंदियों ने जेल में पथराव और आगजनी कर दी। जेल पुलिस ने समय रहते ही नियंत्रण पर काबू पा लिया है। ये आज सुबह करीब 8:45 बजे यहाँ के जो जेल का स्टाफ ऑडियो बना रहे इनके द्वारा बताया गया था, थोड़ा सा तेज की डिमांड की गई इनके द्वारा फोर्स की, तो पता चला तुरंत मौके पर यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में जो हमारे डीएम साहब और हम आए, साथ ही साथ जो हमारा बाकी फोर्स है जिसमें एडिशनल एसपी सीओ और सेंट्रल जेल के जो अधीक्षक हैं उनको बुलाया गया और उसके बाद यहाँ पर अंदर जो बवाल हुआ उस पर काबू पाया गया। पूरा जो अभी तक सामने आया वो ये है कि एक संदीप यादव सन ऑफ रणवीर सिंह हैं, जो कि यहाँ पर 2012 से निरुद्ध बंदी हैं, जिन्हें 2016 में दहेज हत्या के अंदर आजीवन कारावास मिला हुआ है। उनका डेंगू उनको हुआ था और उनको डेंगू होने के कारण 5 तारीख को यहाँ से सेफ एम्स में रेफर किया गया, प्रॉपर उनका इलाज करवाया गया। उसका इलाज करवाने के बाद जो सूचना आई थी कि जो 6 तारीख को यानी कि कल शाम को करीब 7:30 बजे वो डेंगू के कारण एक्सपायर कर गए हैं। उसके संबंध में उन्हीं के बैरक में रहने वाले जो संजीव यादव हैं, जो कि यहाँ पर 376 पॉक्स एक्ट के मामले में अंडर ट्रायल हैं, उनको जो कि उनके गांव के ही भाई लगते हैं उनको सूचित किया गया था। उसके बाद आज सुबह जो बात सामने आई थी कि करीब 7:45 बजे जब जेल स्टाफ के द्वारा बैरक्स के अंदर चाय बांटी जा रही थी, सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था, उस समय जो सेलेस सोनकर जो कि डिप्टी जेलर थे उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से 9 नंबर बैरक में हमला किया गया। हमला करने के बाद ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्होंने पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, साथ ही साथ जो जेल के जो गेट हैं उनको तोड़ना और अंदर जो बैरक्स उनको तोड़ने की इनके द्वारा घटना की गई। इसमें जो ये अपराधी जो कि इस तरह के मिस्क्रिन टाइप के हैं उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। इवन जो जेल का मेन गेट था यहाँ तक ये ऑर्गेनाइज में झुंड बनाकर यहाँ पर आ गए थे। जेल के फोर्स और लोकल फोर्स के द्वारा डीएम साहब और हमारे द्वारा यहाँ पर आ गए, बड़ी मशक्क़त के साथ जो आगजनी करने वाले हैं और जिन्होंने पथराव किया है और साथ ही साथ तोड़फोड़ की है उन पर काबू पाया गया। इसमें हमारे पुलिस फोर्स के करीब 30 लोगों को चोट लगी है, साथ ही साथ उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर एक जो यहाँ पर अंडर ट्रायल है जिसका नाम शिवम सन ऑफ मुन्ना है, जो कि 22 साल के हैं, थाना राजापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो चोरी के कई मुकदमों में यहाँ पर अंडर ट्रायल थे, वो इंजर्ड हुए हैं, उनको सीधे तुरंत से यहाँ से